तो गाइस आपने जो अभी सट्टा ताल देखा था ना, वो 9 लेकों में से एक लेक उसे भी गिना जाता है, वो मैं बताना भूल गया था। तो सट्टा ताल 9 लेकों में से एक, बट अभी मैं आ गया हूँ कहीं और, मैं आपको बताता हूँ। पहले यहाँ के मैं टिकट ले लेता हूँ, मामला क्या है यहाँ का। टिकट और काफ़ी ऊपर तक ये है, तो मज़ा आएगा आई होप क्या अभी यहाँ पर देखने में। तो चलिए पहले चलते हैं, टिकट वगैरह लेते हैं, फिर उसके बाद ऊपर चलेंगे। तो मैं आ गया हूँ सरिता ताल के बाद, ये उसी के पास ही है, लगभग 3 किलोमीटर के अंडर में। इसका नाम है वुडलैंड वाटर पार्क। तो यहाँ पर मैं आया हूँ, और ये जो आपको झरना वगैरह यहाँ पर दिखेगा काफ़ी, मतलब यहाँ पर ये नेचुरली झरना और नेचुरली वाटर है पूरा टोटली। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पूरा पीछे से काफ़ी ऊपर से आ रहा है पानी, और अभी हम ऊपर जाने वाले हैं और ऊपर देखेंगे, मज़ेदार सीन आएगा। अब मेरे को लग रहा है कुछ कुछ हमारा घूमना यहाँ पर सफल हो रहा है, और चीज़ें बढ़िया बढ़िया मिलेंगी यहाँ पर। तो चलिए पहले एक व्यू आप इसका ले लीजिए। बेटा पैर रखना मत पानी। तो चलिए ऊपर चलते हैं, आपने झरना देखा अभी यहाँ का पानी का, और ये लगभग 250-300 मीटर की चढ़ाई है ऊपर, और स्टेप्स बने हुए हैं। मैं सोचा कि पानी में से जाएंगे, तो मैंने कहा भाई पानी में से जाएंगे क्या, उन्होंने कहा नहीं। तो अभी यहाँ पर स्टेप्स बने हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, यहाँ से चलेंगे और ऊपर से पूरा व्यू लेंगे। और यहाँ पर हम फाइनली टाइम लेंगे यार, क्योंकि हमारा सब कुछ 3 घंटे या 4 घंटे के अंदर निपट रहा है, तो इतना तो भाई पैसा वेस्ट नहीं करना हमें। कहीं जाओ तो थोड़ा बहुत टाइम लो, आराम से बैठो। तो अभी हम जाएंगे ऊपर, बैठेंगे, थोड़ा सा टाइम लेंगे, और रुक रुक के ही जाएंगे, और मैं आपको दिखाऊँगा सारा यहाँ का जो मामला है। आइए बाबा, फोटोग्राफी करने लायक भी बहुत बढ़िया जगह है, कैमरा इसीलिए लाया था मैं। तो गाइस जो मैं अभी बात कर रहा था ना, मेरे को पहाड़ों से क्यों डर लगता है, आप ये पीछे देखिए, ये बस पता नहीं कहाँ से आके यहाँ गिरी होगी, और भाई साहब कितने लोग मरे होंगे या कितने लोगों को चोट लगी होगी, नो आइडिया। तो इसीलिए पहाड़ जहाँ जैसा जितना अच्छा भी होता ना, उतना ही बुरा भी होता है। ये आपको ऊँचाई पर भी ले जाएगा और आपको नीचे से फिर ऊपर ले जाएगा। यू नो वट बट आई एम ट्राइंग टू से। तो चलिए कोई बात नहीं, चलिए ऊपर। ऐसा क्यों हो रहा कि जहाँ जहाँ हम घूम रहे हैं लोग देखे देखे से मिल रहे हैं, तो कोई पहले है कोई बाद में। तो नाउ हम टॉप पे आ गए हैं। वाह यार वाह, क्या झरना है, बस इतना ही है, 50 रुपये इसी के ले लिए। तो ये है वाटरफॉल, और यहाँ पर लोग बैठ के फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं, और मेरे तो आज आवाज़ बैठ गई है, सुबह से मैं बोले जा रहा हूँ। तो फाइनली 5 से 6 जगह घूमने के बाद हम वुडलैंड वाटर पार्क में हैं, और सबसे टॉप पे भी आ गए हैं, और बैठे हुए हैं यहाँ पर मैं और दीपक राजा से। मेरे साथ वो बंदा फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा है, मैं वीडियोस पे ध्यान दे रहा हूँ, और ये आप मेरे पीछे देख सकते हो गए, झरना है पूरा, और बारिश आई मीनिया झरना बह रहा है। मेरा दिमाग हो गया ख़राब थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर बारिश का मौसम है, तो इसलिए मुँह से बारिश निकल रही है मेरे। और ये पानी तो बहुत ठंडा है, सरिता ताल से भी ज़्यादा ठंडा है। और यहाँ पर बैठने के बाद जो पानी की आवाज़ आती है, उसे सुनने के बाद ऐसा लगता है कितना रिलैक्स फील हो रहा है बंदा, क्योंकि ये पता नहीं कैसा यार, एकदम मेलोडी टाइप की साउंड होती है ये। हाँ, बहुत सुकून मिलता है। और यहाँ का ना यार बात ही अलग है, कुछ मैं सही बताऊँ कि मतलब पहाड़ों पर जो मज़ा है ना, और वो ऐसा कहीं नहीं है, खुले एरिया में भी नहीं है, क्योंकि ना यहाँ पर डस्ट है, ना यहाँ पर पॉल्यूशन है, हर जगह ग्रीनरी है, जहाँ तक जितना मैंने आपको अभी तक दिखाया है। और फिर नेचुरल वाटरफॉल और पार्क, मार्केट्स, खाना पीना, और यहाँ का एटमॉस्फेयर टोटली ऑल अबाउट बात की जाए उत्तराखंड या किसी भी हिल स्टेशन की, तो बहुत ज़्यादा वो प्यारा होता है। यहाँ भी वही आके मेरे को फील हो रहा है, मैं जाना चाहता हूँ और भी जगह पर जहाँ पर ये हिल स्टेशन वगैरह में। मैं माउंट आबू गया था, वहाँ भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया, मैं फिर जाऊँगा माउंट आबू, एक बार आपको दिखाऊँगा वहाँ पर कि
वहाँ का कैसा माहौल है, वहाँ के कैसे रोड्स हैं, वहाँ के कैसे प्लेसेस वगैरह हैं। वहाँ पर गोल्फ कोर्स वगैरह में गया था, वहाँ भी लवर पॉइंट सुसाइड पॉइंट पर मैं गया था। वहाँ पर फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी, बट मैं वहाँ पर व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि उस टाइम मैंने व्लॉग करना स्टार्ट नहीं किया था। तो चलिए यहाँ पर अभी बैठेंगे थोड़ी देर, मैं आराम करूँगा। सुबह से हम निकले हुए हैं, थके हुए हैं, थोड़ा खाएंगे पियेंगे और उसके बाद फिर आगे देखेंगे अभी करना क्या है, क्योंकि अभी दो तीन चीज़ें रह रही हैं हमारी, उसको पूरा करेंगे और फिर उसके बाद हम रूम पे लौटेंगे। तो इसी के साथ चलिए अभी बैठते हैं थोड़ी देर, मैं थोड़ी अपनी थकान दूर करूं और फिर उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। तो अभी वुडलैंड वाटर पार्क हमारा घूमना फिरना हो गया है, जा रहे हैं हम नीचे। भाई कुछ भी बना देते हैं कुछ भी यहाँ पर, और दिखाने के लिए 50 रुपये टिकट लगा देते हैं, बंदे आते हैं। कुछ नहीं था यहाँ पर वैसे, बट कोई बात नहीं, होता है, टूरिस्ट प्लेस बना रखा है तो इतना तो चलता है। तो चलिए अभी चलते हैं अपनी टैक्सी में और उसके बाद वहाँ से निकलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। तो गाइस, जो मैंने आपको एक बार खुरपा ताल दिखाया था वो काफ़ी हाइट से दिखाया था और वो उधर के साइड से था, और नाउ जस्ट मैं अभी मनसा देवी मंदिर के पास आया हूँ। तो जस्ट उसके सामने ही खुरपा ताल है, और जो कि मैं काफ़ी करीब हूँ उसके, और यहाँ से ईजली सब कुछ विजुअल हो रहा है और मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा एक बार। तो आपने अभी याद होगा जो देखा होगा वो खुरपा ताल, ये सीढ़ीदार खेतियाँ हैं, इधर घर वगैरह हैं और इधर ये लेक है। मैं थोड़ा साइड से दिखाता हूँ एक बार आपको, इधर आइए। जो मैं मैजिकल लेक के बारे में बात कर रहा था वो यहाँ पर है, जो कलर वगैरह चेंज करती है। तो नाव ये रहा वो लेक, और ये रहे वो सारे घर वगैरह, जो काफ़ी हाइट से देखने के बाद ऐसा लग रहा था यार क्या मस्त नज़ारा है, पास से देखने के बाद और भी अच्छा लग रहा है इसी के साथ। बट इसका जो पानी है अभी सूख रहा है धीरे धीरे, और अभी बारिश वगैरह उतनी हुई नहीं है यहाँ पर, जब बारिश होगी तो और भी मज़ा आएगा, यहाँ पर पानी भरेगा और यहाँ के पेड़ वगैरह और ग्रीनरी दिखेगी। तो ये है खुरपा ताल, एक बार और देख लीजिए आप पास से थोड़ा। तो एक बार आपने दोबारा से खुरपा ताल देख लिया है, अभी जस्ट उसके सामने ही मनसा देवी मंदिर है, जो कि यहाँ पर जो रोड वगैरह बन रही होगी खुदाई में, तो यहाँ पर एक मतलब मूर्ति खुदाई में निकली होगी, तो उसको ही ये जो पीछे गांव वाले हैं सब, ये खुरपा ताल के, इन्होंने ही यहाँ पर स्थापित कर रखा है। और उसके बाद यहाँ पर ये समझो गांव वालों का एक मंदिर है छोटा सा, यहाँ पर पूजा वगैरह करते हैं। आई थिंक यहाँ बूंदे वूंदे भी गिरने लगी, बारिश होगी अभी ज़बरदस्त मेरे को लग रहा है। तो यहाँ पर आई थिंक गेट वगैरह तो बंद है। तो ये है मनसा देवी का मंदिर पूरा, यहाँ से वहाँ तक ये रोड के जस्ट समझो एक तरह से किनारे पर बनाया गया है, और यहाँ पर पूजा वगैरह करते हैं लोग। मैं एक बार आपको सही से दिखाता हूँ ताकि आप लोग भी देख लीजिए। भाई गाड़ी वाड़ी आ रही है, ठोकना दें इससे पहले। तो यहाँ पर छोटा सा मंदिर है भैरव बाबा का, जो कि मैं जिन्हें बहुत मानता हूँ, और उनको दारू चढ़ती है। मैं दिल्ली में जब रहता हूँ मेरे पास पैसे वैसे होते हैं तो मैं जाता हूँ संडे को, बॉटल लेता हूँ दारू की और वहाँ पर चढ़ा के आता हूँ। तो यहाँ पर छोटा सा स्थान बना रखा है भैरव बाबा जी का, ये अंदर मूर्ति स्थापित कर रखी है एक छोटी सी, और इसी तरह यहाँ पर मंदिर में भी हैंगी मूर्तियाँ वगैरह, आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो पूजा पाठ करो दिल से करो, भले ही तुम वहाँ ना जा पाओ। तो यहाँ पर मूर्ति है जो कि अभी यहाँ पर बंद है, और मैं दूर से ही मांग लेता हूँ जो मेरे को मांगना है। गेट बंद कर रखा है एक्चुअली यहाँ पर लोगों ने, घर वाले मतलब जो गांव वाले हैं यहाँ के, हाँ, तो यहाँ पर मन्नत वगैरह मांगते होंगे तो यहाँ पर जो चुनरी वगैरह है वहाँ पर लगा रखी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो चलिए चलते हैं वापस। तो गाइज आप लोग ये जो देख रहे होगे सामने, इस जगह का नाम बारा पत्थर है,
और यहाँ पर लोगों को रॉक क्लाइंबिंग वगैरह करवाते हैं। अभी बाहर बारिश हो रही है इसलिए मैं जा नहीं रहा हूँ, तो यहाँ पर कुछ दिखाने लायक तो है नहीं। अब चलिए फिर आगे चलते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर आगे कितनी बारिश हो रही है और शीशे पे कितने पानी की बूंदें हैं। तो वो था बारा पत्थर, जहाँ पर NCC वगैरह वाले आते हैं और बढ़िया रॉक क्लाइंबिंग वगैरह लोग करते हैं। अपन के लिए वहाँ इजाज़त नहीं है अभी, तो इसीलिए हम निकल चुके हैं यहाँ से और आगे की तरफ जा रहे हैं। अभी बारिश भी स्टार्ट हो गई है, तो ये तो ठीक है, अच्छा भी और नहीं भी, क्योंकि हम यहाँ आए हैं तो बारिश का भी थोड़ा बहुत मज़ा लेना ही चाहिए। तो अभी बारिश हो रही है, मौसम और भी ठंडा होगा, तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। तो चलिए,